दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखिए हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मदनपुर खादर से मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी से सुभाष नेता जी, जिनसे मैं बात करूंगा कि तीन तलाक के मुद्दे पर जो कि कल लोकसभा में मंजूर किया गया है। सर, क्या मानना है आपका, क्या ये सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है? ये बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का, ये आदरणीय मोदी जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है। हमारे जो मुसलमान बहन बेटियां होती थी उनको मुसलमान फ़ोनों पे ही कहीं अमेरिका से, कहीं लद्दाख से, कहीं कुवैत से इनको कह देते तलाक तलाक तलाक। मैं नहीं समझता कि तलाक का मुद्दा उनका सही था, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा लिया है, बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। उससे हमारी जो बहन बेटियाँ हैं मुसलमानों की, वो लड़कियाँ अब सुख शांति से अपने घर में परिवार को चला सकेंगी, परिवार में अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकेंगी। इनका क्या होता था, एक बहन को तलाक दे दिया, दूसरी बहन को शादी के लिए बुला लिया, दूसरी बहन से शादी कर लेते थे, फिर उनको चार पांच बच्चे उसके पैदा करते थे, फिर उसको तलाक दे दिया। इससे हमारे देश की आबादी भी रुकेगी और हमारे जो मोदी जी ने निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। धन्यवाद सर। पिछले दिनों कुछ बात आई थी कि आपके यहाँ पे कोई ज़मीन है होलिका दहन की, जिनको कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, क्या था सर थोड़ा मैटर बताएंगे? उसमें क्या है, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे जो धीवर जाति के लोग हैं, वहाँ पे होलिका दहन की हमारे यहाँ पूरे गाँव मदनपुर खादर की पवित्र स्थल है, वो पवित्र स्थल है। उसमें वो लोग शाम के 6 बजे ही दारू लेके बैठ जाएंगे, मीट लेके बैठ जाएंगे, उसी में खाएंगे पिएंगे। एकमात्र रास्ता है हमारे गांव का वो। कई लाख लोग हमारे इधर से उधर जाते जाते, हमारी बहन बेटियां जाती हैं, हमारी बहू बेटियां आती जाती हैं, और वो लोग वहाँ पे दारू पी के हुड़दंग करते हैं, दारू पी के कई बार वहाँ झगड़े भी हो चुके हैं, वहाँ पे पुलिस का पुलिस प्रशासन भी लगा है कई एक एक दो दो महीने तक लगातार। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो होलिका दहन की जगह है उसमें मेरे गांव के बुज़ुर्ग, मेरे साथी, मेरे युवा नेता, जो भी मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गांव के बुज़ुर्ग मान सम्मानित लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस होलिका की दहन की जगह में 2 गेट लगे हुए हैं, इन गेटों पर कृपया करके गाँव बस्ती के समस्त निवासियों से कहना चाहता हूँ, मैं एक आदमी से, मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ, समस्त निवासियों से कह रहा हूँ, इस होलिका की दहन की जगह में जो 2 गेट लगे हैं उनमें सफाई करके ताला मार दिया जाए। इसमें किसी भाई का, छोटे भाई किसी का प्रोग्राम है, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम है, तो किसी एक ऐसे आदमी को चाबी दे दी जाए जो इसमें इस्तेमाल हो सके ये होलिका दहन की जगह। इसमें गलत काम हो रहे हैं, सारे गलत काम होते हैं वहाँ पे। ये धीवर जाति के लोग हैं, दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, दारू पीते हैं, वहाँ पे सारा गलत काम कार्य कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है सर, 2017 अलविदा कह रहा है हमें, बस 2 दिन बाद ही 2018 नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश ऐसा जो लोगों को आप देना चाहते हैं ताकि 2018 उनकी बिल्कुल अच्छे से शुरुआत हो? मैं सबसे पहले अपनी ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा गाँव मदनपुर खादर दिल्ली में सबसे बड़ा गाँव है, गुजरों का, चौहानों का गाँव है हमारा। मैं चाहता हूं कि हमारे जो आदरणीय ब्रह्म सिंह जी हैं उनको हमारे गांव के समस्त लोग, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी से, किसी भी जाति से, मैं नहीं कहूंगा कोई किसी बिरादरी या जाति का है, किसी भी जाति बिरादरी का है, वो एक बार हमारे आदरणीय ब्रह्म सिंह जी को विधायक बनाने का संकल्प लें 2018 में, और 2018 हमारे लिए सबके लिए शुभकामनाओं के साथ हमारा 2018 का साल बीते, मैं यही चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना कि सुभाष जी ने ये बताया कि बिल्कुल 2018 की, एक तो लोग आप लोगों को बधाई भी दी और हुंकार 24/7 की तरफ से भी आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो तीन तलाक का मुद्दा है बिल्कुल सही निर्णय लिया है मोदी सरकार ने, इससे जनसंख्या तो देश की कम होगी ही, और जो कि मुसलमान बहनें, माँ बेटियाँ जो कि काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी उनको, अब से वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ, कैमरामैन कुंडन के साथ हनी सहगल, हुंकार 24/7, मदनपुर खादर।